जनपद मुरादाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय के वार्ड में बुखार के मरीजों की संख्या में अचानक से बढ़ने के कारण दो मेडिकल वार्ड बुखार के मरीजों से भरे हुए हैं और ओपीडी में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। सीएमओ मुरादाबाद एमपी गर्ग के अनुसार अन्य जनपदों की तरह अभी मुरादाबाद में नहीं बढ़ रहा मरीजों का आंकड़ा। जनपद भर में मरीजों की जानकारी जुटाने के लिए टीमें बनाई गई हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग पूरे जनपद की मॉनिटरिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बुखार ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते सभी जनपदों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। मुरादाबाद जनपद में भी जिला अस्पताल के वार्डों में बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दो मेडिकल वार्ड बुखार के मरीजों से फुल हो चुके हैं। ओपीडी में भी मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वहीं जब अस्पताल में मौजूद मरीजों से बात की गई तो मरीजों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बुखार होने के चलते जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं और डॉक्टर द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं सीएमओ मुरादाबाद से जब बुखार के संबंध में बात की गई तो सीएमओ एमसी गर्ग द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अन्य जनपदों की तरह अभी मुरादाबाद में नहीं बढ़ रहा मरीजों का आंकड़ा। जनपद भर में मरीजों की जानकारी जुटाई जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीमें गठित कर दी गई हैं, जो जनपद के अलग अलग स्थानों में पहुंचकर शहरी व ग्रामीण इलाकों में लोगों से बातचीत कर रही हैं और बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सारा काम कर रहा है। अस्पताल में कौन भर्ती है, क्यों भर्ती है, क्या बात है? लड़का है, ये बुखार आ गया था दो तीन दिन से, तो कल एडमिट करा रहा था। भर्ती कब किया गया? कल। क्या नाम है इसका? राहुल। कितनी उम्र हो गई? 18 वर्ष। है 18 वर्ष। खांसी भी क्या? हल्के फुल्के कभी कभार खाती है, ज़्यादा खांसी है नहीं। और परिवार में किसी को बुखार आ रहा है? नहीं, किसी को नहीं। हाशिम। हाशिम यहाँ किस बीमारी भर्ती हुई, क्या हुआ? बुखार आया था, खून की कमी हो गई। खून की कमी हो गई बुखार आ रहा जी। डॉक्टर भर्ती हुए कल? कल से खांसी वासी भी क्या? हाँ थोड़ी सी खांसी। दवाई मिल रही है? जनपद में फ्लू की और बुखार की क्या स्थिति है, कोई क्या टीम आई हुई है? देखिए अभी फिलहाल टीम तो नहीं आई हुई है और ना आए तो अच्छा है, हम ही लोग इस स्थितियों को संभालने में कामयाब हों। देखिए कुछ कतिपय जिलों में बुखार से डेथ के आलोक में विभाग ने प्रदेश स्तर से 7 तारीख से 10 दिवसीय रोगी खोज अभियान के तौर पर चलाने का निर्णय लिया है। उसकी तैयारियां चल रही हैं, माइक्रो प्लानिंग हो रही है और 7 तारीख के इस अभियान में हम प्रत्येक घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, बुखार के रोगियों की लाइन लिस्ट करेंगे, टीबी के संभावित रोगी, कोविड के संभावित रोगी एवं 45 वर्ष से अधिक के कोविड टीकाकरण से टूटे हुए लोग, इसके अलावा 2 साल तक के बच्चे जो टीकाकरण में जिनके कोई खुराक टूटी हुई है उनकी भी लाइन लिस्ट तैयार कर उन पर कार्रवाई कर उनको संतृप्त किया जाएगा और ये बुखार के रोगी जो आएंगे उनकी जांच कराकर इलाज किया जाएगा। जागरूकता फैलाना भी इसका एक उद्देश्य है, जिससे इसकी जन सामान्य जागरूक हो और बीमारी से बचने में खुद भी सतर्क रहे। जैसे अन्य जनपदों में टेस्ट की संख्या बढ़ी है, अपने जनपद क्या? देखिए अभी हम अपने जनपद से ऐसी सूचनाएं नहीं हैं और बुखार के भी बड़े स्तर की सूचनाएं नहीं हैं, मगर सतर्कता बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम सब समय पर सतर्क होकर इससे बच गए तो बहुत अच्छा होगा और हमारा जन सामान्य समस्याओं में जाने से बच जाएगा।